public employment. Excuse me, sir. Yes. सर वहाँ रुके. हाँ बोलिए. सर वहाँ. सर वहाँ रुके. सर. Your voice is not coming. आप chat column में डाल. सर मैं allow to leave sir because sir my father is not. Okay okay. सर मैं allow to leave because my father is not sir good. उनकी. ओके ओके रवानी आप जा सकते हैं. ओके रवानी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट यू कैन लीव. चलिए आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इससे यहाँ पे भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन वाला केस था. यस रवानी यू कैन गो. क्या था किस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं. रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ. ये तो पांचों यही हो गया. और क्या था. रेजिडेंस एंड डिसेंट. चलिए इसके बाद आर्टिकल 17 पढ़ा था. क्या था आर्टिकल 17. Untouchability. क्या ये एब्सोल्यूट राइट था. और ये पनिशेबल ऑफेंस था. इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस. तो इससे रिलेटेड कौन सा एक्ट बना था. शेड्यूल ट्राइब्स. प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट्स एक्ट. याद है. Then Article 18. What was that? Abolition of title. Except earned title. जो भी earned title होंगे जो आपके constitution में जो mentioned है. Military and academic. Military and academics. Wonderful. तो ये Article number 12 से 18 तक कोई doubt है. No sir. No. चलिए. Which of the following pairs are correctly matched? Following pairs. अब आप लोग माइक ऑफ कर लें. सबको माइक ऑफ कर लें. One. Article 14 to 18. Right to equality. Equality. Article 19 to 22, right to freedom. Right to freedom. Statement 3, Article 23 to 24, right against exploitation. 1, 2, 3, B. 1 and 3, C 3, D 2 and 3. Tell me the correct answer in the chat column only. जस्ट वेट. जिसने भी अगर इस पार्ट को अगर अच्छे से याद किया होगा तो वो बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हैं. यही तो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स का मैंने क्वेश्चन पूछा है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये देखिए इसका आंसर क्या है. ए ऑल आर करेक्ट. आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वालिटी है. आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम है. और 23 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है. फिर 25 टू 28 क्या था. सेकुलर राइट. 29 एंड 30 क्या था. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. 32 क्या था. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं सर. एक राइट टू प्राइवेसी है वो. राइट टू
फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। ये कौन सा राइट आप पूछ रहे हो, ये फंडामेंटल राइट है? नो नो सर, प्रिवेंसी सर। That is implicit in ये सब 21 के अंदर आता है, वो सब right to life के अंदर वो सब define किया जाता है। Yes sir, yes sir। ठीक है, ये classification था, अभी जो question कराया ना ये classification of fundamental right पे था, जो पहले 7 fundamental right था, ये अब 6 रह गया। ठीक है, which each or are correct about right to property, right to property, first is right to property is a fundamental right, it is given under article 32 of the constitution and it was added by 44th Amendment Act of 1978. Statement 1, 3 only. Option B, 2 only. Option C, 1 only. And option D, none. मुझे पता था बहुत लोग पहले ए देंगे फिर बाद में उसको करेक्ट करके डी करेंगे, क्योंकि पढ़े तो यही है कि राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, बट ये वाला चीज तो देखा ही नहीं कि ये एडेड था कि डिलीटेड था। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन गलत होता है, सब पढ़ने के बाद भी लगता है कि गलत क्यों हो रहा है, तो गलत इस रीजन से हो रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, तो हाँ राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट बट इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, तो ये गलत हो गया। It is given under Article 32 of the Constitution. So 32 के अंदर तो constitutional remedy है, और अगर originally पूछा जाता तो ये तो 31 में defined था, तो ये भी गलत हो गया। और it was added by 44